बच्चों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह से ग्रह से अलग तस्वीर को हम पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अलग अलग हरूफ हैं या अलग अलग शक्लें हैं उसको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। इस बार हम आपके जरिए कराएंगे। चला तर बघूया आपण की तुम्ही कशा प्रकारे गटात न बसणारे आकृती किंवा अक्षर वेगवेगळे करतात। चला तर मग आपण सुरू करूया। विद्यार्थ्यांनो, आताच आपण पाहिलं की गटात न बसणारी आकृती कसं ओळखायची, बरोबर? हो, तर आता आपण बघूया। तुमच्याकडे जे वर्कशीट दिलेली आहे दाखवू ऐकता? ओके, आता तुम्ही मला सोडून सांगायचं की गटात न बसणारा वस्तू किंवा आकृती कोणती आहे आणि त्याचं मागचं कारण काय आहे। तो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें से ग्रह में से जो अलग है वो क्यों है और उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले कौन बता रहेगा? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सोराली से। हाँ सांग सोराली। इथे तीन खालकाय आहेत आणि इथे जिराफ आहे, त्यामुळे आपल्याला समजतं की जिराफ वेगळा आहे। ये तीन गहरी है और ये जिराफ है। हमारा आंसर ये है कि ये अलग है, जिराफ। बहुत अच्छे, क्योंकि जिराफ यहाँ पर गिलहरों में मैच नहीं होता इसलिए वो अलग है। हाँ। ओके, नीचे। हे तीन दुधाचे रैपर आहेत आणि हो एक स्ट्रॉबेरीचा रैपर आहे, त्यामुळे आपल्याला समजते की हे स्ट्रॉबेरीचा रैपर वेगळा आहे। गुड, वेरी गुड, खूप छान। हे तीन, ये तीनों मिल्क है और ये स्ट्रॉबेरी है। बहुत अच्छे, ये तीनों आंसर आता है ये। बहुत अच्छे, यहाँ पे तीन दूध के पैकेट हैं और ये स्ट्रॉबेरी है इसलिए वो अलग आएगा। हाँ, इथे तीन सूर्य आहेत आणि इथे फक्त एक इंद्रधनुष्य आहे, त्यामुळे आपल्याला असं समजते की इंद्रधनुष्य हा वेगळा आहे। खूप छान सरळली। ये तीनों सन है और ये एक एक ये एक इंद्रधनुष्य है। हमारा आंसर ये आता है क्योंकि ये सबसे अलग है। बहुत अच्छे अनुष्का, क्योंकि यहाँ पर जो रेनबो है वो सूरज से मिलता नहीं है इसलिए रेनबो अलग होगा। ओके, अच्छा ब्लूबेरी के बारे में और स्ट्रॉबेरी के बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? इथे तीन ब्लूबेरी केक आहेत आणि इथे स्ट्रॉबेरी केक आहे, म्हणून आपल्याला असं समजते की स्ट्रॉबेरी ये तीनों ब्लूबेरी केक है और ये स्ट्रॉबेरी केक है। हमारा आंसर ये आता है क्योंकि ये सबसे अलग है। बहुत अच्छे अनुष्का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक ब्लूबेरी केक से अलग है इसलिए यहाँ पे गटात बसणार नाही। छान सिद्धार्थ, तुझ्याकडे कोणती वर्कशीट आहे दाखव? अच्छा, ही वर्कशीट आहे का? आता तू सांगशील का मला ह्याच्यामध्ये गटात न बसणारा कोणता आहे? चलो ठीक आहे, तो आप बताइए मुझे अभी। ये तीन, ये एक और ये, ये सेम है, ये अलग है, इसलिए आंसर ये होगा। गुड, उसके ऊपर लाइन मार दो या उस पे कुछ कर दो। ठीक है, गुड। नीचे यहाँ पर ये और ये सेम है फुल। हाँ। पर ये अलग है, पिंक कलर का है, इसलिए हमारा आंसर है ये। बहुत अच्छे सिद्धार्थ, और नीचे नीचे मधुमक्खी के बारे में क्या कहना है? ये मधुमक्खी सेम है तीन और ये अलग है। हाँ, इसलिए हमारा आंसर ये आए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तीन ड्रम सेम है और ये अलग ड्रम है, इसलिए हमारा आंसर ये आए। गुड, वेरी नाइस। प्रज्वल, तुझ्याकडे कोणती वर्कशीट आहे बघू? ओके, आता तू सांगशील का गटात न बसणारी वस्तू कोणती आहे? ओके, सांग प्रज्वल। ही तीन भोपळे आहेत आणि ये कोबी। बहुत अच्छे, वो तीन कद्दू है और ये एक पत्ता गोभी है आणि ये एक गटात नाही। बहुत अच्छे, इसलिए वो गटात बसणार नाही। ओके, नेक्स्ट। ये फुल कोबी आहे, तीन फुल कोबी आहे आणि ये बटाटा आहे, बटाटा गटात नाही। छान, खूप छान, वो तीन गोभी है और वो आलू है इसलिए वो उनके ग्रुप में नहीं जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ओके, ये तीन ढोकले मिर्ची पीले रंग की और ये लाल रंग की। बहुत अच्छे, यहाँ पे जो शिमला मिर्ची है वो तीन पीले हैं और ये लाल है इसलिए वो यहाँ पे अलग आएगा। ये तीन ककड़ी और एक मिर्ची और एक आलू।
खूप छान नितीन तगडी आहे, त्याने ती मिरची आहे म्हणून ती मिरची त्यांच्या गटात बसणार नाही. खूप छान.